दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड के रहने वाले जयराम महतो के बारे में। जयराम महतो आज के समय में झारखंड के युवाओं के दिल की धड़कन बन चुके हैं, साथ ही लाखों स्टूडेंट के हीरो भी बन चुके हैं। आज हम जानेंगे कि जयराम महतो आखिर है कौन, कहां पर रहते हैं, इनके नाम के आगे टाइगर शब्द कहां से आया और आखिर क्यों एक स्टूडेंट को आंदोलनकारी बनना पड़ा। साथ ही झारखंड के लोग आने वाले समय में इन्हें सीएम के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जयराम महतो उर्फ टाइगर जयराम महतो का जन्म 27 सितंबर 1994 को पारसनाथ पहाड़ के बगल में एक खूबसूरत सा गांव माइंटेड तोपचाची धनबाद जिले के झारखंड में हुआ है। जयराम महतो का बचपन भी माइंटेड तोपचाची में ही गुजरा है। इन्होंने बचपन का आनंद पारसनाथ जैसे खूबसूरत पहाड़ के बीच लिया है, साथ ही इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भी माइंटेड तोपचाची से ही की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से, इन्होंने इंग्लिश ऑनर से एमए किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ये एक पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने गांव माइंटेड में सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि इनका गांव जंगलों के बीच में है, जिसके कारण यहाँ पर पढ़ाई, रोड, नाला, बिजली, घर इत्यादि उतने विकसित नहीं है। वहाँ के अधिकतर लोग जंगल को रोजगार के रूप में देखते हैं। जयराम महतो भी पढ़ाई के साथ उन जंगलों में काम भी किया करते थे। उनके परिवार के बारे में बात करें तो उनको मिला करके उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके माता पिता, उनके माताजी, दादाजी और एक छोटा भाई। जयराम महतो के पिताजी एक आंदोलनकारी थे जो झारखंड के आंदोलन में अपना जान गंवा बैठे। जब जयराम महतो जन्म भी नहीं लिए थे, उससे पहले ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी देशभक्त तथा आंदोलनकारी थे। आज उन्हीं के रास्ते पर जयराम महतो भी है। उनके छोटे भाई खेतीबाड़ी करते हैं तथा उनकी मां को झारखंड सरकार की ओर से 3000 मासिक वेतन मिलती है। अब हम जानेंगे कि आखिर इनके नाम के आगे टाइगर शब्द कहां से जुड़ा। इसकी शुरुआत होती है इनके बचपन से। जयराम महतो को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उन्हें क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था। बचपन में ये अपने एरिया के बेस्ट फील्डर हुआ करते थे। कभी कभी तो कैच लेते वक्त ये लहूलुहान भी हो जाते थे। वे क्रिकेट को पूरे दिल से खेलते थे। वे कैच को लेने के लिए इस तरह लपकते थे जैसे कि एक टाइगर करता है। इसी कारण से लोग जयराम महतो को टाइगर के नाम से पुकारने लगे और बड़े होते होते इनका नाम टाइगर जयराम महतो पड़ गया। अब हम जानेंगे कि जयराम महतो आखिर इतना फेमस कैसे हुए। जयराम महतो भी हमारी तरह एक आम आदमी है जो झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ चुके हैं और ये अक्सर स्टूडेंट के लिए आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन ये तब फेमस हुए जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था। उस समय झारखंड सरकार ने झारखंड के एग्जाम में बाहरी भाषा को जगह दे दिया था और यहाँ के स्थानीय भाषा को जगह नहीं दिया था, जैसे भोजपुरी, मगही इत्यादि वगैरह को झारखंड के JSSC एग्जाम में शामिल कर दिया गया था। और आपको तो पता ही होगा कि जयराम महतो शुरू से ही स्टूडेंट के लिए आंदोलन करते रहे हैं। उसी तरह इस आंदोलन में उनका अहम भूमिका रहा और रातों रात झारखंड के युवाओं के दिल में राज करने लगे। धीरे धीरे करके जयराम महतो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जयराम महतो को पूरा झारखंड जानने लग गया और कई मीटिंग में इन्हें बुलाया जाने लगा। अब तो जयराम महतो इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि जयराम महतो को बाहर के स्टेट से भी लोग भाषण देने के लिए बुला रहे हैं और यही वजह है कि झारखंड के लोग इन्हें आने वाले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।